गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बताइए, फटाफट बताइए। अच्छे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो जैसा मैं प्रोमिस आप लोगों से किया था कि ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, तो आज मैं आपको इस सेशन में सुबह 10 से 11 के सेशन में मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और अभी जो ऑब्जेक्टिव चलेगा वो आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल का चलेगा। 3 से 4 दिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। मेरा कोशिश रहेगा कि एक दिन में 18-20 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। हालांकि आज मैं जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन बैंक और अदर बुक से हो सकता है, लेकिन फिर मैं एक दिन आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो आज आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, समझ गए? इसके बाद फिर जब मैं डिफिनिट इंटीग्रेशन शुरू कर दूंगा आपको एज ए सिलेबस, तब मैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम सब लेकर आप रेडी रहिए और आइए प्रभाकर सर के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़िए। देखिए क्या है, फर्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, आई बराबर है रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर डीएक्स। ए नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग ई पे पावर एक्स माइनस 2x प्लस सी। बी है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 2x प्लस सी। सी है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी। और डी है आपका नल, और इसी में से हम लोगों को आंसर को चुनना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं सॉल्यूशन। आई बराबर, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे तोड़ दीजिए, तो कैसे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो i बराबर देखिए तो क्या हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस 1/x, ये दोनों कैंसिल, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 2। यानी कि अब आपका इंटीग्रेशन x का कितना दी, x स्क्वायर बाय 2 1/x का log mod x प्लस 2 इंटू dx, तो dx का कितना हो जाएगा x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, देखिए तो x स्क्वायर प्लस log x प्लस 2x प्लस c, बी नंबर ऑप्शन, समझे, बी नंबर आपका हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, I इक्वल टू है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाय x dx, और ऑप्शन है आपका a नंबर, a नंबर है 1/3 1 प्लस log x पे पावर 3 प्लस c। b
बी नंबर है 1/2 1 प्लस लॉग एक्स पे पावर 2 प्लस सी, सी नंबर है लॉग लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी, डी नंबर है नन। समझ गए, डी नंबर है नन। ये आपका 2010 में आया भी था, ठीक है, इंटर में आपका बिहार बोर्ड में आया था। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको बताइए, आप ही लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़े हैं, कोई नया नहीं है। क्या कीजिएगा, ऊपर वाले को फुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो लॉग है तो नीचे वाला आपका आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आप फुट कीजिए ऊपर वाले को, क्या कीजिएगा, आई बराबर आपका है 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 बाय एक्स डी एक्स। पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, t का dt by dx, इस तरफ dx लेते आइए, तो dx by x बराबर आपका हो गया dt, ठीक है। तो देखिए, तो i बराबर क्या हो गया आपका, i बराबर 1 प्लस log x के जगह t, तो आपका हो गया t स्क्वायर, समझे। और dx by x, dx by x मिलकर आपका हो गया dt, ये आपका हो गया dt, और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c, कहने का मतलब है 1 बाय 3, और t t आप लिए हैं 1 प्लस log x, तो ये हो गया 1 प्लस log x पे पावर 3 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सही है ए। अच्छा, इसको आप एलिटर से भी बना सकते हैं, दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे दूसरे मेथड से बनाइएगा, आइए मैं आपको बताता हूं। एलिटर आई बराबर है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स। देखिए, जिसको आप पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को डी में घुसाइए। जैसे 1 प्लस log x को पुट कर रहे थे तो 1 प्लस log x आप लिख दीजिए और डी में आप इसी को घुसा दीजिए, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। जैसे 1 का 0, log x का 1 बाय x, ये वाला तो आ ही गया ना। और अब देखिए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका इस तरह से, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स क्यूब बाय 3। तो कहने का मतलब है आई इक्वल टू हो गया 1 बाय 3 1 प्लस लॉग एक्स पे पावर 3 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, वेरी गुड। हम लोग दो ऑब्जेक्टिव बनाए, इसको फटाफट आप नोट कीजिए। नोट तो क्या कीजिएगा, नोट करने में तो टाइम लगेगा, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, नो देरी, ओनली जल्दी जल्दी। मैं हटता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है आपका है क्वेश्चन नंबर 3, आई इक्वल टू एक्स इंटू ई पे पावर 2x dx, फर्स्ट आपका है 1 बाय 2 एक्स ई पे पावर 2x प्लस 1 बाय 4 ई पे पावर 2x प्लस सी, बी है 1 बाय 2 एक्स
पे पावर 2x माइनस 1 बाय 4 e पे पावर 2x प्लस c, c है 2x e पे पावर 2x प्लस 4 e पे पावर 2x प्लस c, और d नंबर आपका है नन, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए। क्या दिक्कत है सॉल्व करने में? सॉल्यूशन देखिए, आई बराबर आपका क्या है, एक्स इंटू ई पे पावर टू एक्स डी एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे टूटेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप रूल जानते हैं क्या होता है, आई एल ए टी ई, आई लेट, समझ गए। आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स, इसमें इनवर्स तो है ही नहीं। एल का मतलब लॉगरिथम, इसमें लॉगरिथम है नहीं। ए का मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रा ए है, यानी कि जो पहले आएगा उसको आप मानिएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो बच गया वो आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट मैं फिर से बताता हूं, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आईलेट लगता है। आईलेट, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स में जो रहेगा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें त्रिकोणमिति साइन कॉस टेन रहेगा, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ई पे पावर एक्स। इसमें से जो पहले आएगा उसी को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना। तो आई इनवर्स तो कहीं भी नहीं है, एल लॉग कहीं भी नहीं है, ए अलजेब्रा एक्स वाला फंक्शन यहां पर दिख रहा है, तो मैं इसको फर्स्ट मान लिया, और ऑटोमेटिक जो दूसरा बचेगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा, समझिए। और फॉर्मूला क्या होता है बाय पार्ट्स का, आप जानते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, समझिए। यही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो आपका क्या हो गया, आई बराबर फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई पे पावर टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। एक तो इस इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स दे दिए, और एक ये जो पूरा इंटीग्रल है एक आपका इसके लिए भी डी एक्स हो गया। ठीक है, तो देखे तो क्या मिल गया, I बराबर x वैसे ही e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो e पे पावर 2x x के कोफिशिएंट से भाग, फिर देखिए x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलिए, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 1। e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन, e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन, तो e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन e पे पावर 2x बाय x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना। ठीक है, अब आइए, अब देखिए आपका क्या मिला, तो i बराबर बोलिए बोलिए 1 बाय 2 x e पे पावर 2x, 1 बाय 2 x e पे पावर 2x माइनस है, माइनस दीजिए, ये 1 बाय 2 आपका कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, e पे पावर 2x, तो e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर 2x x के कोफिशिएंट से भाग, e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन e पे पावर 2x और x के कोफिशिएंट से भाग, e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन e पे पावर 2x के इंटीग्रेशन e पे पावर 2x और x के कोफिशिएंट से भाग। ठीक है, अब देखिए तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 1 बाय 2x e पे पावर 2x माइनस 1 बाय 4 e पे पावर 2x
प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। यही बच्चों हो गया आपका आंसर। मिला ये तो आंसर कहाँ है जी? बोलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा जी? बी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। यदि आप बी बोलते हैं यू आर राइट। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आ रहा समझ में? आ रहा है? हाँ सर। अरे वाह बहुत बहुत मुबारक आपको। फोर नंबर देखिए क्या है। I इक्वल टू है cos 2x dx by sin x plus cos x का होल स्क्वायर। ऑप्शन है ए नंबर माइनस वन बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बी है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सी है लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी है वन बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इस चीज को हम लोग बनाते हैं। आइए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्यूशन समझे? सॉल्यूशन ये क्वेश्चन 2011 में आया है आपके बोर्ड एग्जाम के। 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है अब देखिए तो क्या कीजिएगा। इसमें से cos 2x का फॉर्मूला लिख दीजिए। I बराबर cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या होता है जी cos 2x? बोले cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर dx है, dx लिख दीजिए और बटे में आपका साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या होता है जी cos 2x का फॉर्मूला? बोलिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आइए अब देखिए ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? I बराबर cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स और बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है अब देखिए क्या कटेगा जी? ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। समझ गए? जब दोनों कैंसिल तो I बराबर आपका बच गया cos x माइनस साइन x बाय साइन x प्लस cos x dx। और अब देखिए कि नीचे वाला पुट कीजिएगा ना तो डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जाएगा। बोलिए कैसे? साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्या होगा रे बाबू जल्दी बोलो बोलो। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स। यानी कि नीचे वाले को पुट करने से डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला आता है तो जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसाइए। यानी कि इस प्रकार से डी में घुसा दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार वेरीफाई कीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। देखिए चूंकि ऑब्जेक्टिव है ना तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको टाइम सेव करना है। यदि लंबे प्रोसेस ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो फिर तो हो गया, तब तो ये लॉन्ग सवाल हो गया।
आपको ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट मेथड से बनाना है, हाँ, तभी तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, समझ गए क्या हो गया जी, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, यानी कि आई बराबर हो गया लॉग मॉड एक्स के जगह पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, क्या है जी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, समझिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब आप इसको फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में टाइम लगता है, हाँ स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए आप तेजी से। आइए अब 5 नंबर पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आई बराबर है 1 dx और ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस के, बी है 1 प्लस के, सी है x स्क्वायर बाय 2 प्लस के और डी है log x प्लस के, ये आपका 2015 में आया है, ठीक है 2015 में ये आपका ऑब्जेक्टिव आया। तो देखिए तो बोलिए क्या होगा, एकदम आसान है, 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स हो गया और मैं बोला था कि डी एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो डी एक्स के इंटीग्रेशन x, कहने का मतलब है x प्लस k, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया a, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2015 में आया हुआ है, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 भी 2015 में आया है, क्या है, तो i बराबर है डी एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, पहला ऑप्शन टेन एक्स बाय 2 प्लस के, दूसरा है 1 बाय 2 टेन एक्स बाय 2 प्लस के, तीसरा है 2 टेन एक्स बाय 2 प्लस के और चौथा आपका है टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस के, समझे, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो आप देखिए तो क्या लिखिएगा, i बराबर हो गया 1 बाय 2 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, समझ गए, 1 प्लस कॉस एक्स के क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखिए तो i बराबर 1 बाय 2 बाहर, अब 1 बाय कॉस तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, यानी कि 1 बाय 2 सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, सेक स्क्वायर का 10, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, यानी कि आपका हो गया 10x बाय 2 और x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है इंटीग्रेशन में, तो x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, तो आपको 1 बाय 2 से क्या करना पड़ेगा,
तो 1 बाय 2 से आपको देना पड़ेगा भाग, 1 बाय 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 1 बाय 2 से भाग देना है। अब देखिए तो ये दोनों कैंसिल, तो i बराबर 10 x बाय 2 प्लस c, 10 x बाय 2 प्लस c, c या k जो बोल लीजिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन जी, बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 2015 में आया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी 2015 में आया है, कहता है क्या, क्या कहता है कि i बराबर डी एक्स बाय रूट एक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए रूट एक्स प्लस के, बी टू रूट एक्स प्लस के, सी एक्स प्लस के, डी टू बाय थ्री एक्स पे पावर थ्री बाय टू प्लस के। याद कीजिए मैं बताया हूं कि वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स, मैं कई बार बताया हूं, कई बार मैं बताया हूं वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो एक्स पे पावर ये जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस वन, समझ गए, अब बटे में भी माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, यानी कि एक्स पे पावर वन बाय टू बाय वन बाय टू प्लस सी, यानी कि टू रूट एक्स प्लस आपका हो गया सी, एक्स पे पावर हाफ है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, यही एन के जगह पे आपका क्या हो गया, माइनस हाफ और प्लस वन, और इस प्रकार से टू रूट एक्स, मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, तो कौन सा हो गया, टू रूट एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए ठीक है, आइए अब देखिए तो एट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन एट कहता है कि d बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, फर्स्ट नंबर एफ डैश एक्स, सेकेंड नंबर एफ एक्स, थर्ड नंबर एफ डबल डैश एक्स, फोर्थ नंबर एफ एक्स प्लस सी, समझ गए, तो देखिए आप जानते हैं क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रहता है तो दोनों खत्म हो जाता है, समझ गए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ये हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे शुरुआती दौर में, देखिएगा वीडियो नंबर 2 या 3 में देखिएगा, हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा एफ एक्स, क्या बचेगा एफ एक्स, क्या बचेगा जी, जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों खत्म तो क्या बचेगा आपका एफ एक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खत्म तो क्या बचेगा एफ एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। और इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, 9 इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ 5x dx, समझ गए, डी बाय डी एक्स ऑफ 5x dx, पहला ऑप्शन क्या है 5x प्लस c, दूसरा ऑप्शन क्या है 5x प्लस c, तीसरा ऑप्शन 5 डबल x प्लस c, चौथा ऑप्शन न, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका हो गया न। देखिए तो क्या है, यहां पर भी फिर वही बात है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों खत्म हो जाता है, एक साथ रहता है, तो ये मैं आपको थ्योरी में बताया, क्या मैं बताया हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों रहेगा तो खत्म हो जाएगा,
दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है, समझ गए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों रहे तब भी खत्म, या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों रहेगा तब भी खत्म। आप देखिएगा दो या तीन नंबर का मेरा लेक्चर देखिएगा इंटीग्रेशन में, मैं आपको इसका प्रॉपर्टीज को सिद्ध करके दिखाया था, समझ गए। दो या तीन नंबर के में देखिएगा, मैं आपको सिद्ध करके दिखाया था, वो लेक्चर आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, तो सिर्फ फाइव एक्स बचेगा, तो फाइव एक्स यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म तो क्या बच गया, फाइव एक्स, फाइव एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट तो आ ही जाएगा प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख रहे हैं कि ये 31 मिनट का सेशन हो चुका है, समझ गए। तो आज जो है ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लास है, तो आज रहने दीजिए, इतना पे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो डेली आपको 10 बजे से ऑब्जेक्टिव का क्लासेस चलेगा, और शाम को 7 बजे मैं डेली लाइव हूंगा, ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव रहेगा, और सुबह 10 बजे आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव। शाम को 7 बजे सब्जेक्टिव डेली, और सुबह आपका 10 बजे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं सेशन को समाप्त करता हूँ, नोट कर लीजिए, और इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले दिन पढ़ेंगे।